इस मिट्टू बच्चे को खिलाने के लिए निकाल दिया है और वो मिट्टू झुक झुक के देख रहा है। मिट्टू 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 क्या कर ले चिकू? मिट्टू क्या कर ले चिकू बोलो? क्या कर ले चिकू? चिकू प्याल कर ले ते को? क्या कर ले चिकू? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। चिकू मिट्टू को खिला रहे थे, वो तो आपने देखा, और एक मिट्टू कैसा गुस्सा कर रहा था। और मैं और मम्मी सुबह छेड़ के बैठे काम, जो कि 12 महीने का राशन लेके आए थे, उसमें लहसुन तो हमने साफ़ करके इधर रख दिया है। अभी बाहर प्याज साफ़ कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा इसमें कचरा था, तो कचरा रिजेक्ट कर दिया। और जो जो कलियाँ थी उनको अलग निकाल दिया है, और जो बंद था बंद को अलग निकाल दिया है क्योंकि 12 महीने तक अवेयर के रखना है। और ये बाहर प्याज कर रहे, ओ आशा भाई मोस्टली अभी जो वह अभी बाहर प्याज का कट्टा खुल रहा है, खेची ला के जा रहे अपन। तो दाल चावल भिगा देते हैं क्योंकि लंच में फिर लेट हो जाएंगे, 10:30 तो हो गई है। प्याज का काम हो चुका है और अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। भी चावल भिगा दिए, दाल भी बॉईल कर दी है, चावल, और टाइम हो रहा है 11:30। खाना बन चुका है और खाने के लिए चिकू को कॉल किया, तो चिकू तो आज एक बार में आ गए। और खाने में चने की दाल और साथ में थोड़े से प्याज और रोटी ख़त्म हो गई है, फिर रोटी ले लेती हूँ और अब खा लेते हैं। और फिर जाना है शॉप पर, और कल से थोड़े जल्दी जाएंगे क्योंकि आज से चिकू के इंस्ट्रक्शन आ गए, कल से जल्दी शॉप पर पहुँचना है, तो कल जल्दी लंच बनाना पड़ेगा अपन को। आइए पधारिए। कल हमारा कूलर जो हमने सही कराया था, उसमें इतना अच्छा मैकेनिक आया था, उसने है ना कूलर के पंखे उल्टे लगा दिए थे, क्या पता वो हवा को वैक्यूम कर रहा था रूम में से। फिर आज गणेश भी आए, उन्होंने सही किया, पूरी हवा बाहर खींच रहा था कब घर की, यानी वो गर्मी खींचना चाहता था। ओ आशा भाई मार पे बूट तो पला नहीं था, अभी आ गई हूँ मैं शॉप पर, और मैंने आज ये वाले शूज पहने हैं, तो मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। मेरे वो वाले शूज़ बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम करेंगे एक टेम्प्रेरी हेयर स्ट्रेटनिंग, तो चलिए बताती हूँ मैं आपको कैसे हेयर स्ट्रेटनिंग होती है। इधर के बाल पूरे स्ट्रेट हो चुके हैं, अब इधर के बाल स्ट्रेट करने हैं, तो आप देख सकते हो दोनों के अंदर लुक कितना चेंज है, फुल्ली बाल स्ट्रेट हो चुके हैं। तो मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग जैसे बताई आपको, आई होप समझ में आई होगी और आप सब जनों को हेल्प भी होगी, क्योंकि हेयर स्ट्रेट करने में लगभग सारी लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सेल्फली हेयर स्ट्रेट तो इतने अच्छे से हो नहीं पाता, पर मगर आप किसी के कर रहे हो तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और अभी हम जा रहे हैं हमारे शॉप के लिए फ्रिज लेने के लिए और सैलून के लिए पंखा, क्योंकि अंदर अनावश्यक एसी चालू रहती है, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, तो एक पंखा लगवा लेते हैं, एक वॉल फैन। तो चलो चलते हैं शॉपिंग के लिए। Thank you.
ये कनेक्टेड टू इन्वर्टर, बिना दीदी इसलिए ये वाला ही लिया लग रहा है। और वॉल फैन चाहिए, वॉल फैन कहाँ पे है? फ्रिज देख के आ चुके हैं, अब डिसाइड करते हैं कहाँ रखना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अभी तो सिर्फ देख के आए हैं और फाइनल भी हो गया है, पर जगह अभी तक डिसाइड नहीं, जगह डिसाइड करते हैं कस्टमर आ गए, कस्टमर का डिसाइड करते हैं। अंदर सैलून से अभी जस्ट हुई हूँ मैं फ्री, और आज तो अकेली थी इसलिए सारा काम मुझ पर पड़ गया, और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है, बहुत जुकाम हो रहा है। अभी 7:30 हो रही है और अब मुझे जाना है घर पर। मेरी वॉच आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है, मुझे हमेशा जब भी मेरे फ़ोटोज़ वगैरह में किसी में भी वॉच दिखती है ना, तो मुझे हमेशा कमेंट आता है कि आपकी वॉच कौन सी है, बहुत ही अच्छी लग रही है, हमको ऐसी मिल नहीं रही है। नहीं मिलेगी ना, क्योंकि कस्टमाइज करी है मेरे पति ने मेरे लिए। तो अब चलते हैं घर पे, घर पे चल के डिनर की तैयारी करते हैं, और मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, और आज जो हमने फ्रिज खरीदा है वो आ भी गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने भी सही देखा नहीं है, क्योंकि मैं भी काम में थी, मैंने भी देखा नहीं। ओ वाओ, ब्लू कलर आया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले हमने ये वहाँ पर रखने का सोचा था, पर शायद कनेक्शन का कुछ इशू हो रहा है, सो इसको यहाँ पर रख दिया है। चालू तो नहीं किया अभी तक, अंदर से भी बहुत मस्त है। अब चिकू को एक कॉल जाएगा और चिकू भागते हुए मेरे को लेने आ जाएंगे। जो फ्रिज लाया है अब उसका श्री गणेश कर रहे हैं अंदर ले जाके। ओके, चालू हो गया इससे? चालू हो गया। ओ वाओ, जैसे तुमने ओ तुमने सारे प्लास्टिक उचका दिया, तुम कम नहीं हो। ऊपर फ्रिज है और यहाँ पे सारे शीट मास्क रखेंगे, और नीचे सारी फेशियल्स के वो रखेंगे डिब्बे, ताकि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको अच्छा 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 फील हो। फेशियल करवाते समय हालांकि जितना रिलैक्सेशन दे सकते हैं उतना तो देते हैं, पर उसमें आइस भर के रखेंगे, जिससे किसी के बहुत ज़्यादा ओपन पोर्सेस होते हैं तो उससे इंस्टेंट बंद भी हो सके, और जिनको स्वेटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो मेकअप से पहले आइस भी फेस पर अच्छे से क्लेंस कर देंगे ना आइस को, तो उससे स्वेटिंग भी कम होगी। मेरे लिए फ्रूट्स भी यहाँ पर रखेंगे। अरे वो क्या अपने वाले में क्या एक में डालते हैं तो सब में चला जाता है। इसमें भी मज़ा आता है ना अपने फ्रिज। आज ये वाले शूज़ पहने हैं तो मेरे पैर इतने दर्द हो रहे हैं, स्केचर्स से वास्तव में। घर पे आ चुके हैं, और घर पे आने के बाद अब क्या देख रहे हैं कि मैंने मैगी की तैयारी सब कर दी है, और मेरे हस्बैंड मैगी को फ्राई कर रहे हैं, जो कि बड़े दिनों के बाद आज चिकू के हाथ की मैगी खाने मिलेगी, इसीलिए कच्ची मैगी को भी खानी है। कैसी लगती है? मस्त लगती है। आज बनेगी फ्राइड मैगी, उसके लिए प्याज टमाटर लहसुन सब है, टमाटर बनेगी। तेल डाल दूं? नाइस सर। पहले जा रही है राइट? डाल दूं डायरेक्ट? गरम हो गया? होगी हाँ, तो डायरेक्ट डालता इससे तो जल्दी जल्दी हो जाओगी। कुंडी में भी हमारा मसाला रेडी हो चुका है, अब इस मसाले को अच्छे से पकाते हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छा सा मस्त धुआंधार पका के फिर अंदर मैगी डालेंगे। ये हमारी मैगी के पानी में उबाल आ गया है, अब चिकू को बुलाती हूँ, नहीं तो टच करूँगी तो बोलेंगे अच्छी नहीं बनी, तो तूने टच किया था ना इसलिए अच्छी नहीं बनी, तो अपन ऐसा मौका क्यों दे, तो चिकू को बुला देते हैं। तो ये मैगी अब इसके अंदर छली जाएगी। इसको 2 मिनट तक ऐसे ही होने देना, अपन अब रूम में जाके रेस्ट करते हैं, आज अपन थक भी गए इसलिए। रूम की हालत कुछ ऐसी, अभी एडिटिंग हो रही है इसलिए, ये कल न्यूज वाईफाई है, परसों मैगी बना के ले आए हैं, और आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त यम्मी दिख रही है। अब इस मैगी को हम खाएंगे और हमारी पेट की पूजा करेंगे। मैगी खा ली, मस्त पेट भर गया, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मैगी थी। भर गया? अच्छा भर गया, पहले सुनो। मैगी खा ली और मस्त पेट भर गया है। अब यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।